गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? आई एम बेटा, आज हम आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि दो दिन बाद यानी शनिवार के दिन आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो स्वतंत्रता क्या होता है, कब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, क्या कारण था, कैसे गुलाम बना, थोड़ा सा संक्षिप्त में हम इन सब चीजों पे आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने आप को म्यूट करके ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, म्यूट कर लीजिए ताकि कोई आवाज ना आए। हाँ, मेरी बात सुनिए, कुछ रिप्लाई करना होगा तो आप अनम्यूट होके कीजिएगा। देखिए बेटा, हम सभी लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम लोग बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। कि कोई चाहता कि हम किसी के बंधन में रहें, नहीं चाहते हैं ना। लेकिन स्वतंत्रता में लोग मनमानी भी करते हैं, ये भी बात सत्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबको अपने अंदर रखना चाहते हैं, ये बात गलत होता है। तो हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक गुलामी के जंजीरों में जकड़ा रहा। पहले यहाँ यवन आए, फिर मुस्लिम शासक आए, उन्होंने कुछ समय तक हमारे देश पे कब्जा बनाए रखा। उसके बाद अंग्रेज आए, है ना। अंग्रेज तो सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश को गुलाम बनाए रहे। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था, है ना। देखिए, स्वतंत्रता हम मनाते तो हैं यह उत्सव, लेकिन स्वतंत्रता हमें मिली कैसे? कोई आसान बात नहीं थी कि स्वतंत्रता हमें बहुत ही आसानी से मिल गई है। इसके लिए इसका अपना एक इतिहास है। सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश के लोगों ने बहुत ही कठोर संघर्ष किया, अपने अनेक युवाओं ने अपने आप को बलिदान किया, अनेक माताओं की गोदी सुनी हुई, अनेक स्त्रियों के मांग सुने हुए, जिसके फलस्वरूप जाके हमें स्वतंत्रता मिली हुई मिली। इसमें से कुछ महापुरुष हैं जिनको हम याद करते हैं, जैसे लक्ष्मीबाई हैं, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और मेन जो स्वतंत्रता आंदोलन जिसके द्वारा हमें मिली, इनका सबसे अधिक हाथ है, वे है महात्मा गांधी जी, है ना, जिनके संरक्षण में देखभाल में तमाम स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए, है ना। अंत में जाकर उनके साथ नेहरू जी जुड़े हैं, पटेल जी जुड़े हैं, बहुत से सुभाष चंद्र थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेकिन वो जो है गांधी जी के विचारधाराओं से सहमत नहीं थे। गांधी जी की विचारधारा थी बच्चों कि हम स्वतंत्रता बिना लड़ाई झगड़ा के अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता हासिल करें। वे शांत के पथ पर चलकर बिना हिंसा किए हुए ही अपने देश को आजाद करने का उन्होंने संकल्प लिया था। जहां तक कोई सफल भी हुए, ऐसा करके सफल भी हुए, आजादी उन्हीं के संरक्षण में मिली। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आज बिना संघर्ष के हमारा देश आजाद हो सकता है, इसके पक्ष में नहीं थे। तो फिर भी वो देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। उन्होंने संघर्ष के ही द्वारा देश को स्वतंत्र कराने का मार्ग अपनाया, जिसमें जो है सुभाष चंद्र जैसे, बाल गंगाधर तिलक जैसे, बहुत सारे क्रांतिकारी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे, जो देश को हिंसा के द्वारा अंग्रेजों को भगा कर, चाहे उसके लिए कितना ही हिंसा का प्रयोग क्यों न करना पड़े, इसके पक्ष में होकर उन्होंने काम किया। तो संघर्ष दोनों ने किया है, हम दोनों को याद करते हैं, चाहे किसी ने हिंसा के बल पर देश को आजाद कराया या गांधी जी ने अहिंसा के बल पर। ठीक है, तो लोग अपने आप को बलिदान करके हमें स्वतंत्रता दिलाए चले गए। तो हम स्वतंत्रता दिन के इस पावन पर्व पर
लोगों को याद करते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस का जो पावन पर्व है यह पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूरा भारत पूरी आन शान और मान के साथ इस पावन पर्व जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है। बच्चों राष्ट्रीय पर्व हमारे कितने हैं बता पाएंगे आप लोग? तीन तीन है ना बेटा। तो पहला स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती आएगा जनवरी से अगर शुरू करते हैं तो भी सही है। पहले हमारा गणतंत्र दिवस है, फिर स्वतंत्रता दिवस है, फिर गांधी जयंती। बिल्कुल हम राष्ट्रीय पर्व मानते हैं गणतंत्र दिवस। हाँ बेटा देखिए इस दिन होता क्या है, सभी सरकारी संस्थाओं कार्यालय बंद रहते हैं, लेकर उसमें जो है कार्यालय में कार्य बंद रहता है। मैं आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। हाँ बेटा हो सकता है आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। ठीक है बेटा, थोड़ा हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम के आते आवाज कट रही हो। मैं नहीं कट रही है। इस समय जो है मतलब 15 अगस्त के दिन सभी सरकारी संस्था कार्यालय बंद रहते हैं, काम काज नहीं होता है, लेकिन लोग उपस्थित होकर झंडा रोहण करते हैं। कट रही। ठीक है बेटा, इसे बोलिए मत, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप इसको एडजस्ट कीजिए। ठीक है, एडजस्ट कीजिए। तब जो है सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं, लोग उपस्थित रहते हैं, झंडा रोहण सभी सरकारी संस्थाओं पर झंडा रोहण होता है। सभी जो गैर सरकारी विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी हैं, सभी जगह इस दिन झंडा रोहण का कार्यक्रम किया जाता है। विद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, झंडा रोहण का कार्यक्रम होगा, झंडे को सलामी दी जाती है, लोग राष्ट्रगान गाते हैं। इसके बाद बच्चे अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। ठीक है, पूरे देश को संबोधित करते हैं। उनके भाषण को सुनने के लिए देश के कोने कोने से लोग इकट्ठा होते हैं। इस दिन हम सभी लोग महान क्रांतिकारियों को याद करते हैं और उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें इन पूरे भारतवासी को आपस में कभी लड़े झगड़े ना, हम अपने देश को शक्तिशाली बनाएं, अपनी सीमाओं की रक्षा करें। भले ही हम अलग अलग प्रांत के रहने वाले हैं, अलग हमारी भाषा बोली है, हम अलग धर्म को मानने वाले हैं, फिर भी हम क्या है, पहले सबसे पहले क्या है, हम भारतवासी हैं। ठीक है, हम भारतवासी हैं, तो भारत के आन बान शान की रक्षा करना हमारा धर्म होता है। तो जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए कानून बनाए हैं उसका पालन हम बहुत ही ईमानदारी से करें। जात धर्म के नाम पे हम आपस में न झगड़े, यह सब आपके है ना, हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखें, यही हमारी सबसे बड़ा देशभक्ति है। हम देशभक्ति का हम अपने आप को देशभक्त मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सभी लोग मानते हैं ना देशभक्त, तो देशभक्ति का हम क्या परिचय दे सकते हैं? हम अपनी देशभक्ति का परिचय किस रूप में दे सकते हैं बेटा, बताइए शान्विका। अगर हम देश के लिए काम करेंगे तो आराम से आ सकते हैं। शान्विका बेटा स्टॉप स्टॉप, एक एक से हम पूछेंगे। मैम अगर हम अपने देश के लिए अच्छा काम करें और अपने देश, चलिए सावित्री आप क्या कहना चाहती हैं देशभक्ति के लिए? मैम आप क्या कहना चाहती हैं
अपनी देशभक्ति प्रकट करने के लिए? आपके अंदर देशभक्ति की भावना है? यस मैम। तो आप कैसे अपना देशभक्ति, देश की भक्ति आप कैसे कर सकती हैं? मैम अस्मित आप बोलिए बेटा, अस्मित आप हैंड दिखा रहे हो, बोलिए। मैं आपकी मैं हैंड नहीं दिखा रही। अरे वहाँ स्क्रीन पे आपका था। चलिए बताइए। आपकी बात नहीं। हाँ हाँ आप बोलिए, आपकी बात नहीं आ रही। आप बोलिए तो। मैं आपकी अस्मित बोलिए। मैं आपने प्रॉब्लम आपके पास है, आपकी आवाज कट रही है। फिर से बोलिए बेटा। चलिए तनिष्का बताएंगे भक्ति का। मैम मैम अगर हम कोई अच्छा काम करें तो हम मैम हाँ अनुप्रिया आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? मैम अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो हम देशभक्त कहलाएंगे और हम हमें के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। और ठीक है बेटा, देखिए देशभक्ति की भावना जो भरा नहीं है कभी की इन कविताओं द्वारा हमें देखने को मिल रहा है, जो भरा नहीं है भाव से, ध्यान से सुनिएगा, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रस धार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। तो बेटा जिसके जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम ना हो वह व्यक्ति व्यक्ति नहीं होकर बल्कि पाषाण खंड है, वह पत्थर है, है ना। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। देखिए देश प्रेम की भावनाओं को हम कई रूपों में प्रकट कर सकते हैं। जैसे एक तो देश की रक्षा कर रही है, जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के सैनिक हैं, देश प्रेम है उनका, वो रक्षा करते हुए अपने आप को शहीद होने के लिए 24 घंटा सरहद पर जुटे हुए हैं सैनिक लोग। लेकिन हम आम जनता हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, खा पी के मौज मस्ती कर रहे हैं, तो हमें देश की के प्रेम का प्रदर्शन करने का, आप लोग कहेंगे हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने घर में ही बैठे रहे, अपने पास पड़ोस, हम ऐसे कोई भी कार्य ना करें कि जिस कार्य से हमारे पास पड़ोस या हमारे समाज को क्षति पहुंचे, कोई नुकसान पहुंचे। क्योंकि गांव में अगर कोई नुकसान पह रहा है, हम किसी को नुकसान कर रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो देश को पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये सब एक प्राथमिक इकाई है, घर परिवार गांव समाज क्षेत्र प्रांत फिर देश, देश पूरा आसमान की तरह है जो पूरे पे है, लेकिन उस आसमान के नीचे ही हमारा प्रदेश प्रांत है, उस प्रांत के अंदर हमारा जिला है गांव है ना। एक दूसरे इकाई की तरह हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम कोई भी राष्ट्रद्रोही कार्य न करें, समाजद्रोही कार्य न करें, व्यक्ति एक नागरिक होने का, एक हम भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होता है, हम किसी नागरिक को कष्ट ना पहुंचाएं, है ना। अगर हम किसी भी नागरिक को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो हम देशभक्ति देशभक्त नहीं, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है बेटा, ठीक है। तो देशभक्ति की भावना होगी तभी हम अपने समाज के अच्छाई के बारे में सोच सकेंगे, हर लोगों के बारे में सोचेंगे। वो व्यक्ति क्या है जो किसी के बारे में न सोचे? विचार लोग की मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, परंतु मरो कि यो मरो
याद जो करे सभी, हुई जो यूनुस मृत तो बिठा मरे बिठा जिए, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है? यस मैम। इन कविताओं से हमें देशभक्त की भावना हमारे हृदय में बढ़ती है। देखिए बेटा, माखनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी थी एक छोटी सी कविता है जो फूलों के माध्यम से देशभक्त की भावना को व्यक्त किया गया है। ठीक है? फूल क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, देश प्रेम की भावना इस कविता में है, इसलिए मैं आपको सुना रही है। शायद इसमें कुछ भूल भी हो सकती है क्योंकि बहुत पहले याद किए थे, बुक नहीं मेरे पास इस समय, हम अपने याद स्मरण शक्ति के आधार पर आपको सुना रहे हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक है यह। चाह नहीं सुरबालाओं के गहनों में गूथा जाओ, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी को ललचाओ, चाह नहीं देवों के सिर पर चरु हाथ पर इठलाओ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हरिमाला डाला जाओ, मुझे तोड़ लेना बनमाली। कुछ लाइन भूल रहे हैं हम, फिर भी आगे बता रहे हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मात्र घूम पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। यानी जिस पथ मात्र घूम पर शीश चढ़ा। देखिये फूल क्या कह रहा है, मुझे ना तो अभिलाषा है कि देवताओं के सिर पे चढ़ाया जाऊं, ना अभिलाषा है कि कोई प्रेम का बता दे। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ना ही उसे मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़ने की अभिलाषा है, ना ही उसे जो है राजा महाराजा के यहाँ उसके अस्त्र पर पढ़ने की अभिलाषा है। फूल का काम सब जगह लगता है ना बेटा, सब जगह पुष्प होता है, मरने पर भी, होने पर भी, और सजने सवरने के लिए भी। तो कोई भी अभिलाषा पुष्प की नहीं है, एक अभिलाषा है। क्या कह रहा है वो, मुझे तोड़ लेना बन माली, हे बन के माली मुझे तुम तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक, उस रास्ते पर फेंक देना, मुझे तोड़ के तुम उस रास्ते पर फेंक देना, मात्र घूम पर शीश चढ़ाने, मात्र घूम यानी देश पर शीश चढ़ाने के लिए, जिस पथ जावे वीर अनेक। जहाँ पे वीर पुरुष मात्र घूम की सेवा के लिए अपने आप को बलिदान होने के लिए जा रहे हो, उस रास्ते पर तुम फेंक देना, ताकि उनके पैरों के नीचे पड़कर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझू। आई समझ बेटा? तो एक फूल होके मातृभूमि के लिए उसके अंदर इतना प्रेम है, तो हम तो एक इंसान है, ठीक है? तो हमारे अंदर तो देश प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। देखिए तो इस पावन पर्व पे हमारे अंदर जो है तमाम प्रेरणाएं मिलती हैं, महापुरुषों की कुछ जीवनी जब हम पढ़ते हैं उनसे हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। देखिए स्वतंत्र कराने के लिए जो महापुरुषों ने जो बाणी कही है वो भी हमें आज प्रेरणा देती है। जैसे तिलक जी ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना? गांधी जी ने कहा था, करो या मरो, या स्वतंत्रता के लिए कोई प्रयास करो या तो फिर अपने आप को बलिदान करो, है ना? ये सब महापुरुषों के जो वचन है वे हमें स्वतंत्र कराने के लिए ही कहे गए थे, देश को स्वतंत्र कराने के लिए ही कहे थे, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, हमें आज भी उनसे प्रेरणा मिलती है। देखिए बहुत सारे देशभक्त से जुड़ी हुई कविताएं बनी है और गाने बने हैं, जैसे कि ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे हम जहां तक लुटा जाएंगे, हैं फूल क्या चीज है तेरी कदमों पे हम भेंट अपने सिरों का
चढ़ा जाएंगे, है ना। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। ठीक है, तो ये सारी भावनाएं हैं जो कविता गाने के माध्यम से विस्तार होती है। ठीक है, तो आने वाले स्वतंत्रता के पर्व पर हम आपको यही सब बताना चाह रहे थे, आप लोग भी स्वतंत्रता के महत्व को समझें, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ें, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया है उनकी जीवनी को आप पढ़ेंगे, क्योंकि वह हमें प्रेरणा देती है, हम उनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन को अच्छे काम कर सकते हैं। महान पुरुष महान क्यों कहा गया, उनके कार्यों से तो महान बने हैं, कोई जन्म से महान नहीं होता है, अपने कर्म से महान बनता है। ठीक है, तो अभी हमारी लाइक पड़ी हुई आप सबकी महान बनने की, देर के मुझकर गुजरने की, तो आप समय निकालकर महापुरुषों की जीवनी अवश्य पढ़ेंगे जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत होगी। आप तैयारी भी करेंगे स्वतंत्रता दिवस पे बोलने के लिए, किसी महापुरुष की जो प्रेरणादायक है स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उनकी जीवनी पढ़ के आप उनके बारे में अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। कुछ लोग भाषण कर देंगे स्वतंत्रता के विषय में बताएंगे, कुछ लोग जीवनी पढ़ लेंगे महापुरुष के बारे में, गांधी जी है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, ठीक है, झांसी की रानी है। तो एक एक टॉपिक आप लोग सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बोलने के लिए सबको बोलना है, आप बड़े बच्चे हो आप अच्छे से बोल सकते हो, इसलिए आप सबको एक एक चीज बोलना है ना। आप अपने टॉपिक लिखकर ग्रुप में भेज सकते हैं, हमें इस विषय पर बोलना है अलग अलग, ऐसा ना हो कि दो लोग एक ही चीज को बोले, जिसको जो बोलना होगा अपने क्लास वाले ग्रुप में लिख देना कि मैम हम इस विषय पर बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने क्लास ग्रुप में डाल देना, अगर किसी का दो होगा तो हम उसको कह देंगे कि तुम दूसरा कुछ कर लो। ठीक है, तो बेटा आज के सेशन में हम आपको ये बताना चाह रहे थे, अब आप लोग की राय भी हम कुछ सुने। ठीक है, आप अपनी राय को दें कि आप लोगों का क्या विचार है इस विषय पर। मैं चाहूंगी बेटा हम किस महापुरुषों के बारे में बता दें, बोलिए। चलिए, हम पहला महापुरुष सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे, जिनका प्रेरणादायक वचन है क्या है, महात्मा गांधी के बारे में बताएं। आप बताओ बेटा, बताइए मैम, बताइए महात्मा गांधी के विषय को। कौन बताना चाह रहा है बेटा, बेटा चलिए बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, अपने मोबाइल को कनेक्ट रखिएगा। ठीक है, चलिए हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताने जा रहे हैं, आप लोग सुनिए, क्योंकि 15 अगस्त को आप लोगों को बोलना रहेगा, तो कोई टॉपिक चुनना रहेगा आपको, तो इनके प्रेरणा वचन है तो मुझे बोल दो। मैम महात्मा गांधी के बारे में नहीं बोल सकते? हाँ बेटा, आप कहा तो रहे हैं महात्मा गांधी जी है, सुभाष चंद्र है, हाँ चंद्रशेखर आजाद है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, नेहरू के बारे में बोल सकते हो, पटेल के बारे में बोल सकते हो, सब लोग स्वतंत्रता संग्राम सबके बारे में बोल सकते हो। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बोलिए।
हाँ बेटा, अनुप्रिया बेटा, अनुप्रिया। यस मैम, यस मैम। गाड़ी दी कौन बोलना चाह रहा था बेटा? मैम फॉर्म थ्री। मैम सुभाष, हाँ बेटा कौन बोलना चाह रहा था? मैम मैम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता सकते हैं? हाँ बेटा बता सकते हैं। हम गांधी जी के बारे में बता सकते हैं? हाँ हाँ, बढ़िया, तैयार कर लेना, किसी के बारे में बोल सकते हो आप। हाँ बेटा, यस मैम, आप किसी के बारे में बोल सकते हो? हाँ बताइए, क्या सुनाना चाहेंगे आप? गांधी जी के बारे में कौन बोलना चाह रहा था? सावित्री। हाँ बोलिए बेटा। यस मैम, मैम महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और उनकी माँ था, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इसी वजह से हम इन हर साल यह गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। मैम यह 3 त्योहारों में से एक है। मैम हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि गांधी जी जैसे महात्मा हमारे देश में जन्मे थे। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? गांधी जी के अलावा आप सुभाष चंद्र बोस महापुरुष थे, सरदार पटेल, नेहरू जी हैं। हाँ अमन बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अमन। मैम। हाँ बोलिए बेटा। मैम सुभाष चंद्र बोस के मैम सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस, जो कि प्रख्यात वकील थे। उनकी माता प्रभावती देवी सती और धार्मिक महिला थी। प्रभावती और जानकीनाथ की 14 संतानी थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनमें से 9वें स्थान पर थे। सुभाष बचपन से ही पढ़ने में बहुत होनहार थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। �ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उस दुर्घटना का कोई समाधान नहीं था। बोस की मृत्यु आज भी विवाद का विषय बनी हुई है और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशय है। हाँ बेटा सही बात है, बहुत अच्छा बोले हो। और कोई? देखिए बेटा, अभी आपके पास समय है आज कल का, आप लोग तैयारी कर लोगे, सब लोग एक ही टॉपिक चुन लेना, और चुनने के बाद क्या टॉपिक पे आप तैयार कर रहे हो उसको जो है ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है बेटा? तो आज का सेशन बेटा हम यही समाप्त करेंगे। अगर आप लोग को और कुछ कहना हो तो आप बताएं, नहीं तो फिर हम स्वतंत्रता दिवस के दिन मिलेंगे आपसे, ठीक? हाँ
कुछ कहना है बेटा, कोई प्रॉब्लम? यस बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, समझना चाहेंगे? देवांश बेटा, देवांश आप कुछ नहीं बोल रहे हो? देवांश मैम, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मैम मैम हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर निबंध राइट कर लिखे रहे अपने नोटबुक पे, तो अच्छी बात है, लिखना चाहिए ही। हमने समझा दिया आपका कर्तव्य है, आप लोग लिख ले बढ़िया से, ठीक है? सब लोग लिख रहे हैं नोटबुक पे, सब लोग बढ़िया से लिख रहे हैं। हर साल आप लोग लिखते आ रहे हो, इसे बताने वाली चीज नहीं है। हम जो भी त्योहार आता है उसके बारे में एक दिन पहले डिस्कस करते भी हैं आप लोगों से, लिखने को भी कहते हैं, ठीक है? तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा। अच्छे लेखन के लिए जितना ही अच्छा आप लिखोगे, उतना ही लिखोगे उतनी अच्छी आपकी लेखन स्मरण शक्ति बढ़ेगी। हम बेटा सेशन यही एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।